गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। बेटा जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी जो अच्छे अच्छे वीडियो है उसको आप जरूर देखो बेटा। सिर्फ वर्कशीट करने के लिए नहीं, बल्कि मैंने सैटरडे को फॉर्मूला आप लोगों को लिए भेजा ट्रिगोनोमेट्री ना, उसमें से सिर्फ 20 और 30 व्यू है। इसका मतलब वर्कशीट में नहीं है बेटा, साथ में और भी कुछ अच्छे वीडियो आपके साथ जा रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर से इसका नाम क्या है, ये आपका वर्कशीट नंबर 22 है, क्लास जो 10th, और ये SST है सामाजिक विज्ञान में। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है एग्रीकल्चर, जो कृषि के बारे में बात करते हैं। जो डायरेक्ट दे दिया बेटा वो मैं आपको समझा देता हूँ, लंबे वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग उसको ना देखते हैं। और आप लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ आंसर से मतलब रखते हैं बेटा, अगर आपको और चैप्टर समझना है तो आप मुझे दूसरे से फॉलो कर सकते हो, तो उससे मैं आपको बता दूंगा, कमेंट जरूर आप भेजना। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, आपके पास छोटे जमीन है, आप उसको खेती करना चाहते हैं। देखो मैं आपको छोटी सी चीजें मैं बताता हूँ ड्रॉ करके, ये क्या है देखो प्रारंभिक, ओके। इसमें क्या होती है, देखिए एक छोटा सा जमीन है, इतनी जमीन है आपके पास। अगर इसी छोटे से जमीन में आप क्या करते हैं ना, छोटे 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 जीविका निर्वाह मतलब इतने में गेहूं दे दिए, इसमें इतने में और कुछ दे दिए, खेती कर रहे हो इसमें और कोई, तो देखिए छोटे छोटे टुकड़ा है। और जीविका निर्वाह का मतलब होता है जीवन के लिए जो जो जरूरत पड़ रहा है आपको वो आप, जैसे हम अपने घर में जो छोटे थे हमने देखे कि क्या होती है ना, आधे में तो जो पिताजी है वो धान का चावल धान वगैरह धान या गेहूँ करते थे, ये जो थोड़ा सा ऊँचा है जो मिट्टी डाला हुआ है इसमें वो पपीता का पेड़ लगा दिए या तो कुछ फल वगैरह या सब्जी वगैरह लगा देते थे। दूसरा जो तीसरा था इसमें और कुछ, इसमें और कुछ है, इसका मतलब क्या होती है ना, छोटे टुकड़े पर की जाती है, छोटे छोटे टुकड़े पर की जाती है। और ये प्राचीन औजारों से बेटा, एक जो कुदाली होता है आपको पता होगा उससे भी होता है, चाहे वो डिगिंग स्टिक्स होती है, ये सब चीज़ें हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और ये इसमें किसान वर्षा एवं मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं, इसका मतलब क्या होती है, इसमें किसान वर्षा और मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश हो गया, अगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है तो फसल ज़्यादा होगा। ये दूसरा जो आपका आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या गहन जीविका कृषि, उसमें क्या होता है ना, बड़े फार्म होती है, बड़े 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 बड़े, जहाँ ये छोटा है बेटा ये बड़े बड़े फार्म है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं ना, मशीन से, जहाँ पे ये घर का मेंबर है कुल्हाड़ी से हैं जो खुरपा ये सबसे करते हैं, इसमें आपको बड़े बड़े मशीन की आवश्यकता होती है, बड़े फार्म होती है और आधुनिक मशीन का यूज किया जाता है, उच्च उत्पादकता होती है, मतलब जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि यहाँ पे रासायनिक जो है खाद कीटनाशक दवाई वगैरह इसमें यूज किया जाता है, इसमें इतना यूज नहीं किया जाता लेकिन इसमें किया जाता है। और इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूप का प्रयोग किया जाता है, पानी का कुछ सोर्सेज इसके अंदर रहता है, ठीक है। अब आज वाणिज्य कृषि क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जैसे HYV, जैसे कमर्शियल व्यवसाय के लिए जो बीज होता है वो HYV का यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, हाई एल्डिंग वेराइटीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है ना, एक ही तरह फसल किया जाता है क्योंकि तो बिजनेस तो आपको करना ही करना है, ओके। और सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी, ये आपका आ गया, ठीक है। या जैसे चाय कॉफी रबड़ गन्ना ये सब जो हो गया वो मेरा हो गया वाणिज्य कृषि के लिए, ठीक है। तो ये तो बेटा तीनों में डिफरेंस आपको आना ही आना है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो उसमें वही है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और तीसरा हो गया कमर्शियल, केवल बिजनेस के लिए करते हो, घर में दो मेंबर है लेकिन बहुत जमीन है, आप बिजनेस करने के लिए जो खेती किया जाता है उसे खाद दे दो, उर्वरक दे दो, ठीक है ना। लेकिन इसमें इतना नहीं होता क्योंकि वो परिवार की भरण पोषण के लिए होता है, हाँ वो मेनर दे सकते हैं लेकिन फर्टिलाइजर वगैरह का यूज कम करते हैं। अब आ जाओ बेटा सेकंड क्वेश्चन, देखिए तीनों फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो ये देखियो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बेटा, अक्टूबर से दिसंबर तक हो रहा है,
और इसमें आप देखो क्या हो रहा है ना, जैसे ही मानसून चालू हो जाता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होता है, और ये वाला होता है रबी और खरीफ फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु होती है जिसमें हमारा क्या होता है जायद फसल होती है, ये ध्यान देना। इसके एग्जाम्पल में ये सब दे रखा है, इसके एग्जाम्पल में और इसके एग्जाम्पल, तीनों के एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा और ये सब के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बड़ा कुछ एग्जाम्पल है, तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ये सब है, ये मैक्सिमम जो राज्य है उसमें होती है, छोटे मोटे होती है, ठीक है। और देखो खरीफ फसल के लिए क्या होता है ना, ये जो है सितंबर से अक्टूबर, कहाँ से कहाँ था बेटा, सितंबर से अक्टूबर सॉरी, और अक्टूबर से दिसंबर हो गया ये वाला, और तो ये तीनों में डिफरेंस, और ये तीनों में आपको डिफरेंस आपको याद करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, अपने घरों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रबी खरीफ और जायद फसलों का सूची बनाओ। सूची क्या करोगे, ऐसे टेबल बना देना, ऐसे इसमें ऐसे बस। अब आप क्या लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे कि कौन कौन सा यूज किया जा रहा है रबी फसल, तो रबी फसल आपको पता है कौन कौन सा रबी फसल होती है, बता दिया गया आपको कौन सा ना, ये सारे हैं, ये गेहूँ जो चना मटर सरसों ये चीज़ें, और चावल जो धान वगैरह जो चावल वगैरह वो भी अलग चीज़ है। तो उसमें क्या करना है, अपने घर में जो जो चीज़ दे रखा है उसका आप सूची बनाओगे, उससे आप लिख लोगे। अपने घरों में उपयोग किए जाने वाले रोपण कृषि से संबंधित तीन फसलों का नाम बताओ। क्या होता है रोपण कृषि, देखो बड़ा रोपण कृषि क्या है ना, ये दे रखा है ना, जो ऐसे कृषि है जहाँ आधुनिक मशीनें उच्च उत्पादकता, एक होता है आपका चावल बड़े बड़े, गेहूँ ठीक है, कभी कभी आपको आम का बगीचा आपको देखने को मिलती है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपका क्या है ना, गहन जीविका कृषि। इसका मतलब इसका भी थोड़ा सा उद्देश्य हो जाती है बेचने के लिए, लेकिन इसका उद्देश्य हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए जो खेती की जाती है उसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो बड़ा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी आप देख लो। गहन कृषि की मुख्य विशेषताएँ बताओ, देखो यहाँ गहन कृषि कहाँ पर है, ये देखिए ये हो गया आपका गहन कृषि, ये देखो बड़े बड़े फार्म होती है इसमें, इसमें क्या होता है बड़े बड़े मशीन लगता है, उच्च उत्पादकता होती है, रासायनिक खाद और कीटनाशक आदि का उपयोग भी किया जाता है, और सिंचाई के लिए नहरों और नलकूपों का प्रयोग किया जाता है, ये बेटा गहन कृषि है, इसको आप लिख सकते हो ठीक है। और लास्ट में क्या आपका आ जाएगा ना, लास्ट में आ गया भारत में खेती एक जुआ है, देखो ये बना के लिखना है, बिल्कुल मैं इसमें सहमत हूँ, क्योंकि देखो जिस प्रकार जुआ एक अनिश्चितता है, कितना लाभ कितना हानि कुछ कह नहीं सकते ठीक है, उसी प्रकार की भारत में जो किसान है वो डिपेंडेंट रहता है मैक्सिमम आज भी, किसके लिए ना, रेनफॉल के लिए या जो बारिश के लिए, ज़्यादा बारिश हो गया बाढ़ आ जाता है सब बहा के ले जाता है, बारिश नहीं हुआ तो पेड़ सब सूख जाता है, ये यही कारण है जिसकी वजह से जैसे जुआ में हार जीत होता रहता है, और जुआ में कभी जीतो कभी हारो पता नहीं कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे भारत में जो खेती है वो एक तरह से वो जुआ है। क्या आप इसमें सहमत हो, बिल्कुल मैं इसे सहमत हूँ, अपने उत्तरी पक्ष में तर्क दीजिए, अच्छे बारिश हुआ अच्छे हार्वेस्ट होती है, अच्छे फसल होती है, कम अगर उत्पादन हुआ कम अगर प्रोडक्शन हुआ तो क्या है ना, कम प्रोडक्शन होगा, अचानक जैसे जुआ खेल में क्या होता है अचानक करोड़पति बनने का सपना रखते हो, उसी प्रकार के भी किसान रखते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद अब आ जाओ कौन कौन से राज्यों में, देखो मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, मेजर क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, मेजर क्रॉप्स देखो बेटा भारत में खेती एक जुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने उत्तर के पक्ष में दो तर्क दीजिए, अपने उत्तर में तर्क क्या है, जिस तरह से जुआ जो खेल होता है अनिश्चितता होता है, कभी कोई ऐसे तो खेलना नहीं चाहिए लेकिन कभी जो खेलने वाला है कभी वो जीत कर आ जाता है कभी वो हार भी जाता है ठीक है। तो ऐसे में जिस प्रकार की भारत में जो बादल या जिस प्रकार की क्लाइमेट है खेती के लिए वो इतना उपकूल नहीं है, वो इतना अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो जिस वजह से वो जुआ की तरह कहा गया है। ओके बेटा, बाय बेटा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए।